आज जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का जो सबसे पहले फर्स्ट वर्जन है जिसके ऊपर हम मोस्टली लोग यूज करते हैं, जिसको हम एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एमएस वर्ड को जो है ऑन कैसे किया जाता है। तो उसको ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका डेस्कटॉप है, इसके ठीक यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेनू बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें जो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके प्रोग्राम्स रिसेंटली जो हमने ऑन किए होते हैं वो प्रोग्राम रहते हैं। इसमें से आपने फाइंड करना है कि एमएस वर्ड जो है वो कहाँ पे है। तो आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं नीचे, जैसे कि आपका यहाँ पे देखना है कि आपका एमएस वर्ड जो है ये आ गया आपका वर्ड। आप इसको यहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे इसको ओपन करने का ये रहता है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने ये एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये है। सेकंड जो है आप क्या कर सकते हो, किसी भी एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप सेकंड फंक्शन जो यूज करते हो वो कहाँ पे हो, आप चाहे तो आपके सामने ये नीचे जो है सर्च विंडो होती है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए इसका एक एग्जीक्यूट शॉर्टकट वर्ड होता है जिसको हम विन वर्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी आपका एमएस वर्ड जो वो ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड की ओपनिंग विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। अब इसमें क्या है कि एमएस वर्ड में जितना भी काम होता है वो आपका डॉक्यूमेंट एडिटिंग का काम होता है। जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आप सॉफ्टवेयर जब भी ओपन करते हो तो इसकी मैं एक आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, या आप इसको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर वाली बार होती है इसको हम टाइटल बार कहते हैं, और इन जैसे कि ये भी लेटेस्ट वर्जन में हम काम कर रहे हैं तो इसको हम एक रिबन बार भी कहा जाता है। जो आपकी टाइटल बार होती है उसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 3। उसके बाद ठीक इसमें एक मिनिमाइज बटन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको मिनिमाइज करते हैं, कि आप कुछ देर के लिए अगर आप विराम लेना चाहते हैं तो आपका एमएस ऑफिस जो वो नीचे विंडोज में चला जाता है। दूसरा जो है मैक्सिमाइज बटन होता है, इसके द्वारा हम इसको बड़ा कर सकते हैं जैसे कि फुल स्क्रीन में शो हो रहा है। उसी तरह नेक्स्ट आपका क्लोज बटन, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपने बंद करना है तो आप क्लोज बटन का यूज कर सकते हो। उसी तरह नेक्स्ट जो है आपका फाइल मेन्यू होता है जहां से आप फाइल को आप क्या करते हो सेव करते हो। उसी तरह नेक्स्ट जो है होम टैब बटन होता है जिसके साथ हम काम करते हैं। उसी तरह इसको हम इंसर्ट बोलते हैं, इसको डिजाइन बोलते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपको नीचे जो है एक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये सभी तमाम जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिबन, क्या कहा जाता है इनको रिबन। अगर हम पुराने ऑफिस की बात करें, जैसे कि अगर 2003 की बात करें तो उसमें मेन्यू होते थे कि जैसे हम क्लिक करते तो मेन्यू लिस्ट आती थी, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये रिबन जो है यहाँ से हाइड हो जाए तो आप किसी भी मेन्यू टैब जो आपका टैब्स है किसी के ऊपर भी आप डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद जो है आप देखोगे ये हाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो आपका रिबन जो है वो यहाँ से हाइड हो चुका। अब दोबारा इसको शो करना है तो आप किसी के ऊपर भी डबल क्लिक कीजिए, ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो एमएस वर्ड जो है उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एमएस वर्ड जो है उसको डेवलप किया था चार्ल्स सिमोनाई ने और रिचर्ड ब्रोडनी ने, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एमएस वर्ड को 1981 में इनको और डेवलप किया था, और उसके बाद डेवलप करने के बाद जो बिल गेट थे और पॉल अलेन इन्होंने इसको क्या कर लिया था, हायर कर लिया था। और आप जानते भी हैं कि जो बिल गेट्स हैं वो एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है वो ऑनर हैं। और उसके बाद जो है इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था वो रिलीज किया था अक्टूबर 1983, 1983 में इसका फर्स्ट वर्जन वर्ड 1.0 जो था मार्केट में आया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली वर्जन मार्केट में इसके आते चले। फिर 1991 में एमएस वर्ड का 6.0 वर्जन मार्केट में आया। उसके बाद वर्ड 95,
उसके बाद 97, फिर 2000, धीरे धीरे जो है इनकी जो है वर्जन जो अपडेट होते चले, और उसके बाद वर्ड 2010, 2013 और 2016 ये मोस्टली जो है यूज होने वाले वर्ड एमएस ऑफिस के वर्जन जो भी मार्केट में यूज होते हैं। अब देखिए कि इसमें हम काम कैसे करते हैं और उसका काम करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम होम टैब है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके सामने ये वर्किंग एरिया, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया कहा जाता है। इसमें मान लीजिए कि मैं कुछ भी टैब टाइप करता हूँ, जैसे कि हम शॉर्ट में कई बार हमारे पास मेन हो तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं इज इक्वल टू रैंडम, ये क्या करते हैं कि पैराग्राफ जो टाइप कर देता है। जैसे ही मैंने क्या किया इसमें मान लीजिए कुछ भी टाइप किया, अब इसको हम क्या करूंगा, मैं जैसे इसको मान लीजिए कि थोड़ा सा इस लाइन को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये होम बटन होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके इसको हम बोल्ड कर सकते हैं और कीवर्ड से शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये बोल्ड हो गया। उसी तरह नेक्स्ट जो है आगे का जो पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने बोल्ड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, ये आपके सामने बोल्ड हो गया। आप चाहते हैं कि इसका साइज जो है वो आपने बढ़ाना है, साइज इंक्रीज करना है, तो ये जो है ये टू ऑप्शन जो है, ये आपका फॉन्ट फेस है जिससे आपका जो लिखने का स्टाइल होता है, जो राइटिंग का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। नाउ इन दिस टाइम आपको ये स्टाइल ऐसे दिखाई दे रहा है, अब मान लीजिए कि मैं इसका स्टाइल जो वो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से कर दिया इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, वो मैंने स्टाइल जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो अलग है और इसका जो राइटिंग स्टाइल अलग है, तो इसको हम कहाँ से चेंज करेंगे, या यहाँ पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं फॉन्ट फेस, फॉन्ट का चेहरा आपको कैसा चाहिए। सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज, अगर आप चाहते हो कि इसका आपने साइज जो वो इंक्रीज करना है तो साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। आप इनको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से इसका साइज कितना करना है, जितना आप इसका साइज करना चाहते हो आप उसका अपना साइज बढ़ा सकते हो, तो इसका साइज इंक्रीज हो गया। अब ये साइज जो आपने अगर छोटा बड़ा करना है तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, तो कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, इससे आपका साइज जो इंक्रीज होगा, और अगर आपने छोटा करना है तो इसका साइज जो है लेस देन, तो आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे भी जाते हैं तो ये आपको शॉर्टकट की भी डिस्प्ले करता है, जैसे फॉन्ट की जो शॉर्टकट की है, जैसे साइज कितना बता रहा है, कंट्रोल शिफ्ट पी के द्वारा भी आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा कंट्रोल, यहाँ पे हम बी से बोल्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करना है कि हेडिंग तैयार करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम इन साईंराम कंप्यूटर, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा इसको क्या करना है, हमने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इसका थोड़ा सा हमने साइज इंक्रीज कर दिया, तो ये जो है वो एक आपका हेडिंग बन गया। अब इसको आपने इस तरह से अब छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। दूसरा जो है इसमें बोल्ड के बाद नेक्स्ट आता है आपका इटैलिक, इटैलिक होता है कि थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने क्या कर दिया इटैलिक पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है तो वो आपका इटैलिक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। नाउ इन दिस टाइम मैं डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, कि जब भी आप कोई ऑफिस रिलेटेड काम करोगे तो ऑफिस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फॉर्मेटिंग यूज होता है, कि आपका डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेटिंग की सहायता से ज्यादा उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आगे जो है इसको मैंने क्या करना है, इसका अंडरलाइन करना है, तो आप इसमें से अंडरलाइन भी यूज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंक्शन जो वो कैसे यूज करना है। तो ये सभी जो है ये अलग अलग जो है वो क्या है, इसके फॉर्मेटिंग स्टाइल है, तो इन फॉर्मेटिंग स्टाइल का आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो है अगर आप चाहते हो कि आपने जैसे कि और भी आगे बताऊंगा मैं इसमें, अब आगे का जो फंक्शन है, जैसे कि इसमें जैसे कई बार होता है कि कोई लाइन आपने पैराग्राफ में लिखी है, उसको आपने क्या करना है कि आपने उसको थोड़ा सा बताना है कि ये लाइन जो गलत है, तो आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन जो वो आपकी इसने बीच में से काट दी। तो आपने देखा होगा मोस्टली जब हम बुक वगैरह नोट रीड करते हैं तो उसमें कुछ एक लाइन जैसे इन्होंने बीच में से काटी होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये बताया जाता है कि ये लाइन जो अगर ऐसे लिखी जाएंगी तो वो गलत होती है। दूसरा कई बार होता है कि अगर हम मैथ का काम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो हमने मान लीजिए कि जैसे हमने लिखा 100, अब 100 का बेस हमने 2 यूज करना है कि 100 की पावर 2 है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट लिखता हूँ 100 की पावर 2,
तो ये जो है 1002 में काउंट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे आगे जो है, ये दो फंक्शन होते हैं, टू फंक्शन होते हैं, इसमें एक की पावर जो पैरों के नीचे लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और एक आ गया आपका सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए कि सुपरस्क्रिप्ट किया मैंने और ये आपके सामने आगे डिस्प्ले हो गया, दोबारा फिर फंक्शन को ऑफ किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इसकी पावर जो मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने क्या किया सबस्क्रिप्ट यूज किया, सबस्क्रिप्ट और नीचे कर दिया। तो आप इसमें मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन पेपर या मैथ से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। उसी तरह नेक्स्ट जो है आगे जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स, यहाँ से अलग अलग जो टेक्स्ट इफेक्ट्स जो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने ये साईंराम कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, इसको लिखा हुआ वेलकम। अब इसका मैंने सर थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट चाहिए, ठीक है, ओके किया। अब आप देखोगे कि इसकी शेडो जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, अभी आपको दिखाई दे रही है, तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के जरिए। अब आप देखोगे कि इसकी जो शेडो जो है वो नीचे आ रही है। तो टेक्स्ट को आपने और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ पे आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो वो अलग अलग इसमें इसके स्टाइल बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आउटलाइन लेना है आपने, तो यहाँ पे आपने आउटलाइन लिया तो ये आउटलाइन आ गई इसके बाहर की कलर की। तो ये जो थे, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, जो मैं आपको आज एमएस वर्ड में बता रहा हूँ इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और ये टोटल एमएस वर्ड में ही नहीं, इन फ्यूचर अगर आप कल को एमएस पावर पॉइंट करते हो, एक्सेल करते हो, तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यही पैटर्न रहता है। एमएस वर्ड जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वो सभी का बेसिक है। एमएस एमएस बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड बिलोंग टू शब्द। इसमें जितना भी काम होगा वो शब्दों का काम होगा, कि आप शब्दों के साथ उनको डेकोरेट कर सकते हो, उनको डिजाइन कर सकते हो। किसी का अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी पैराग्राफ है उसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप उसको सेलेक्ट सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी पैर, तो हम क्या करें कि माउस पॉइंटर को क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद इसको नीचे दबा के खींच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट करना। जितना एरिया आपका हाईलाइट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेलेक्ट एरिया। इसमें आप चाहे इसका कलर चेंज करो, चाहे इसको डिलीट करो, चाहे कॉपी करो, जो भी आपको लगता है वो आप इसमें कर सकते हो। दूसरा जो है, जैसे हमने वेलकम जो है वो हमें थोड़ा सा नीचे, इसको हमने पेज के बिल्कुल मध्य में लेके आना है। तो नेक्स्ट जो है वो उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ये आपकी अलाइनमेंट अलाइनमेंट फंक्शन होते हैं, इसको होते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको होते हैं सेंटर अलाइनमेंट, इसको होते हैं राइट अलाइनमेंट, और इसको होते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। सबसे पहले जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट जो नाउ इन दिस टाइम यही सिलेक्टेड है, इट मींस कि जो अलाइनमेंट है वो आपकी कौन सी है, वो लेफ्ट है। तो आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए कि वेलकम जो वो आपको बिल्कुल मिडिल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा मिडिल के ऊपर क्लिक करूंगा, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है। हर एक फंक्शन जो है वो आपको उसकी शॉर्टकट की भी बताता है। ये बोलते हैं कि कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो वो ये सेंटर में लेके आ जाएगा। अब मान लीजिए कि जो साईंराम है इसको भी मैंने सेंटर में लेके आना है, तो आप इसको आप सेंटर में कर सकते हो, तो आप इसको यहाँ से सेंटर कर दीजिए। अब मान लीजिए कि कोई आपको ये बोलता है कि नहीं भैया मुझे ये जो अलाइनमेंट है ये कहाँ पे चाहिए, ये मुझे राइट में चाहिए, तो आप इसको आप राइट में भी कर सकते हो। तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट से स्टार्ट होगा। मैं जब जो भी लिखूंगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपका राइट से स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट होती, तो हमारा पैराग्राफ जब भी हम लिखने की शुरुआत करते हैं तो वो आपका लेफ्ट से होता है। तो इसमें अलग अलग अलाइनमेंट्स होती हैं जो आपको टेक्स्ट डेकोरेट करने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट जो अलाइनमेंट है उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों तरफ से इक्वल, जैसे कि इस तरफ से ये बिल्कुल लाइंस बराबर है, लेकिन इस तरफ से आप देख रहे हो कि लाइंस बराबर नहीं है जो हमने टाइप की हुई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्लिक कर देंगे जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट की होती है। अब देखिए कि आप देख रहे हो इस तरह से भी इक्वल है और इस तरफ से भी इक्वल है। अब यही फंक्शन आप यहाँ यूज करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जो है इसको जस्टिफाई कर दिया। तो आज के लिए जो मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट के जो वीडियो होगा उसमें हम इस टैब को और भी आगे धीरे धीरे सीखेंगे ताकि आपको सीखना जो है ईजी हो जाए। तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो जो है मेरे द्वारा समझाए जा रहे हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि आपको रोजाना जो भी मैं टॉपिक देता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में आ जाए। तो जी हाँ, जब तक लॉकडाउन चला हुआ है प्लीज आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।